चाचा आएंगे तो स्वागत करेंगे। जी जरूर करेंगे, काहे नहीं करेंगे। लेकिन बार बार पलटी मार जाते हैं। कोई बात नहीं, सबक भी तो सिखाते हैं। और जब हम चाहेंगे कि हम लोग का राजद में स्वागत है चाचा जी को। नीतीश कुमार जी यदि महागठबंधन में फिर से आते हैं, इंडिया के ब्लॉक में आते हैं, तो हम तमाम राष्ट्रीय जनता का खुली बाहों से स्वागत करते हैं। स्वागत करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे। जब जब राजभवन जाते हैं शुभ संकेत लेके आते हैं, किसी के लिए, किसी के लिए अशुभ संकेत लेके आते हैं। एक तो भेजती है अयोध्या बाल मरवाने के लिए। हमेशा कहते आ रहे नीतीश कुमार के मजबूती के साथ है, एनडीए के साथ है। देखिए मजबूती के साथ तो वो हर बार कहते हैं कि जब इधर रहते हैं तभी मजबूती के साथ रहते हैं, जब उधर जाते हैं मजबूती के साथ ही रहते हैं। उन्होंने बिहार के बहुजन अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लिए जो आरक्षण लाए थे उनको भाजपा ने पीठ के पीछे से खंजर भोंकने का काम किए। इसलिए चाचा सही समय पे सही शॉट मारने वाले और बाउंड्री लाइन के बाहर बजाने चाचा जी एक नंबर आते हैं। देखिए नीतीश बाबू शरीर से वहाँ है, मन से हम लोगों के साथ है। अचानक राजभवन राज्यपाल से मिलने पहुँच गए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सियासी हलचल तेज हो गई है, ऐसा लग रहा है कि जल्द ही कुछ बड़ा फैसला लेंगे नीतीश कुमार। ऐसे में हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ लग रहा है, पलटी मारेंगे क्या फिर से। चाचा जी तो इधर है ही, अब वो तो पलटी मारने में माहिर है और सबक सिखाने में भी माहिर है। हो सकता है कि जब जब राजभवन जाते हैं शुभ संकेत लेकर आते हैं, किसी के लिए, किसी के लिए अशुभ संकेत लेकर आते हैं। आपके लिए शुभ संकेत होगा इस बार। देखिए अब चाचा जी के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि एक वक्त तो भेजती है अयोध्या बाल मरवाने के लिए, हो सकता है कुछ शुभ संकेत आ जाए हम सब के लिए। हम सब के लिए नहीं, बिहारवासी सहित पूरे देश के लिए शुभ संकेत आ सकता है। हमेशा कहते आ रहे नीतीश कुमार के मजबूती के साथ है, एनडीए के साथ है। देखिए मजबूती के साथ तो वो हर बार कहते हैं कि जब इधर रहते हैं तभी मजबूती के साथ रहते हैं, जब उधर जाते हैं मजबूती के साथ ही रहते हैं, लेकिन जब चाचा राजभवन जाते हैं तब वो मजबूती खत्म हो जाता है। चलिए चाचा आएंगे तो स्वागत करेंगे। जी जरूर करेंगे, काहे नहीं करेंगे। लेकिन बार बार पलटी मार जाते हैं। कोई बात नहीं, सबक भी तो सिखाते हैं। और जब हम चाहेंगे कि हम लोग का राजद में स्वागत है चाचा जी को। चाहते हैं कि चाचा आ जी जरूर अवश्य। हमेशा राजभवन जाते तो कुछ न कुछ बड़ा फैसला लेते हैं नीतीश कुमार। देखिए राजनेता हैं, फैसला बड़ा ही होता है, छोटा फैसला जो होता है वो तो सब लोग जानता है, लेकिन बड़ा जो फैसला होता है वो एक राजनेता ही कर सकता है। ठीक है, राजभवन जो होता है राजनेता का तो आना जाना काम ही है। अब रही बात जो बिहार में आज शायद जो सीएम के बारे में आप बोल रही हैं, इस जो सुगुगाहट है, जो चर्चा हो रही है, तो बदलाव भी जरूरी होता है, ऊपर वाला भी संकेत बदलाव का। पद का ऑफर भी मिला था लेकिन तब तो नहीं आए थे इंडिया गठबंधन के साथ। ठीक है ऑफर आते रहता है, लेकिन अभी जो बिहार का जो हालात है उसमें जो है वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। और 2025 का भी जो चुनाव है उसका भी सुगबुगाहट बिहार में बहुत तेजी से हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो चाचा भी देख रहे हैं कि अगर हम एनडीए के साथ रहेंगे तो मेरा जो है बिहार में सरकार नहीं बनेगा, इसलिए वो भतीजा की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। भतीजा स्वागत करेंगे इस बार। चाचा के लिए भतीजा हर वक्त स्वागत के लिए तैयार है। चाचा जी आए उनके लिए चाय भी रखे हुए, उनके लिए मीठा पानी भी रखे हुए। चाचा ना जाने क्या क्या टिप्पणी करते परिवार। चाचा है, चाचा है, चाचा का सब कुछ माफ। भूल जाएंगे तो क्यों ना भूलेंगे। अरे बड़ा है चाचा है, भूले नौनों को बच्चा क्या क्या नहीं। घर में टनटुन होता है, हर घर में, आपके घर में, मेरे घर में, सबके घर में टनटुन होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि किसी का घर में टनटुन नहीं होता, वो तो होता ही है टनटुन ना। अब इस बात को अगर आप लंबा खींचेगा तो होता है, मैटर सॉल्व भी होता है ना, एक जगह बैठ कर समझौता होती है, समझाया जाता है, तो एक परिवार की तरह होता है। उसी तरीके से एक सरकार होती है, जो एक जगह बैठने के बाद किसी मुद्दे पे बात होती है, उसी तरीके से देश और प्रदेश चलती है। पुरानी सभी बातों को तेजस्वी लालू तो भूल जाएंगे। देखिए राजनीति में नीतीश बाबू जब भी राजभवन की ओर गए हैं तो कुछ न कुछ एक सकारात्मक संदेश आया है। जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से आप देख रहे होंगे नीतीश जी का जो एक ओहदा, जब इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश बाबू हुआ करते थे उनका एक ओहदा क्या देखने को लिए मिलता था। एकदम तेजस्वी यादव भी कहते थे कि हमारे गार्जियन है हमारे चाचा जी, इनका जो फैसला होगा सराखों पे होगा। नीतीश कुमार भी कहते थे भतीजा है इसी को आगे, वही भतीजा। देखिए नीतीश बाबू शरीर से वहाँ है, मन से हम लोगों के साथ है। अच्छा। चंद्रबाबू नायडू जब आंध्र प्रदेश में शपथ ले रहे होंगे आपको याद होगा उस दिन नीतीश कुमार शपथ ग्रहण में नहीं, तबीयत राजनीति में दिखाना कुछ और करना कुछ दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। उसी दिन से चर्चा तेज हो गई थी नीतीश बाबू और मंत्रिमंडल में जिस तरीके से नीतीश बाबू को जगह नहीं दी गई है, बड़ा पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है, इसे साफ झलकता है कि एनडीए की सरकार मनमोजी। और कल आप देखे होंगे
सदन में किस प्रकार से राहुल गांधी ने पूरे सत्ता पक्ष को किस प्रकार से कटघरे में खड़ा किया, ये नीतीश बाबू इस बात को भली बात ही समझ रहे हैं। ये सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चलने जा रही है, इसीलिए नीतीश बाबू राजभवन गए हैं और कहीं ना कहीं बिहार के लिए शुभ संकेत है। और नीतीश कुमार जी यदि महागठबंधन में फिर से आते हैं, इंडिया के ब्लॉक में आते हैं, तो हम तमाम राष्ट्रीय जनदलों का खुली बाहों से स्वागत करते हैं। स्वागत करते रहेंगे, इसलिए कि चाचा हमारे हर वक्त बिहार के हित के लिए सोचते हैं। उन्होंने बिहार के बहुजन अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के लिए जो आरक्षण लाए थे, उनको भाजपा ने पीठ के पीछे से खंजर भोंकने का काम किए। चाचा के दिल पे कितना चोट लगा है वो चाचा से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए चाचा सही समय पर सही शॉट मारने वाले और बाउंड्री लाइन के बाहर बजाने चाचा जी एक नंबर आते हैं। चलिए अब देखना होगा नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।